आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ए विद्या चैनल चैनल नंबर दो और एन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटर फोन इन सेशन में जो हम लेकर आए हैं सेकंड स्टैंडर्ड के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है आज बच्चों आप देखेंगे जो अपने आस चीज़ें देखते हैं आप ज़रूर सोचते होंगे कि ये इस शेप में क्यों है या इसकी ये वाली शेप क्यों है इसे क्या कहा जाता है तो हम शेप्स पर ही बात करने वाले हैं शेप्स अराउंड अर्ज हमारा आज का टॉपिक है और आपको इस बारे में बहुत सारी जानकारियों के साथ और बहुत सारी चीजों के साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप है मिस गरिमा पांडे आप टीचर हैं प्राइमरी टीचर एम स्कूल नई दिल्ली से मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है और माम अगर हम बात करें अपनी इस नई पुस्तक की यानी कि जो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नई पुस्तक आई है जॉयफुल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं उसको लिखने में इन्होंने सहयोग भी दिया है अपने सभी देखने वालों को हम ये कहेंगे कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बच्चों कोई प्रश्न आ रहा हो आपके मन में या फिर आप कुछ जा, जानना चाहते हैं और अगर आप कहीं पर अटक गए हैं तो अपने सभी डाउट्स अपनी सभी क्वेरीज हम तक ज़रूर पहुँचाएँ आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है डबल या फिर आप हमें ई भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल

A nation that deeply committed to democracy and multilateralism. India's G twenty presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well being of all. And in doing so, manifest the true spirit of "Vasudhaiva Kutumbakam," or we can say the whole world is one family. विदाउट वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लेट्स क्विकली गेट बैक टू दिसशन एंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दि शेप्स तो मैम हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शेप्स अराउंड एस और हम अपने आसपास देखते हैं कि सारी ही चीजें किसी ना किसी शेप में हैं पता है लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था ठीक है मैथ्स की बुक में सेप्स पढ़ते हैं तो इसका नाम सेप्स अराउंड एस क्यों है <laughs> जी मैंने किसी बच्चे से भी बोला कि आज हम करने जा रहे हैं अराउंडस उस तो उसने मुझसे क्या बोला सेप्स तो ठीक है मैम मैथ्स की बुक में तो सेप होता है अराउंडस क्यों है इसमें कौन सा जो है हमारे आसपास सेप्स होते हैं हम तो बुक में भी पढ़ते हैं ना उसके बारे में बुक में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर का नाम सेप्स अस है क्यों क्या ऐसा सही में है कि सेप्स के बारे में सिर्फ बुक्स में लिखा होता है हमारे सराउंडिंग में नहीं है ये हैं तो कहाँ कहाँ है और इनके बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं जो सेब्स हमारे आस पास हैं तो आधे घंटे बाद ना अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सेप्स से बुक में होती है और कहीं नहीं होती तो आधे घंटे बाद आप जहाँ देखोगे ना आप पाओगे कि हर जगह तो यार सेप्स ही हैं जहाँ देख रही हूँ जिस चीज़ को देख रही हूँ उसमें कोई ना कोई सेप है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो जैसे चैप्टर का नाम है सेव्स अराउंडर्स तो मैंने क्या किया है हमारे आसपास से कुछ सामान है जो मैं आपके लिए लाई हूँ तो आपको क्या करना है उनको देखना है और मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ है और इसे आपने कहाँ देखी है तो तैयार हो आप सब तो हम अपना पटारा खोलते हैं बॉक्स खोलते हैं मैं आपको एक एक सामान दिखाऊँगी आपको बताना है ये क्या है ये क्या है जी मैम ये नींबू है ठीक है कहाँ देखा है हमने इसे किचन में और किचन में? में ठीक है आ, ये क्या है ये डाइस खेलते समय हम इसे इस्तेमाल करते तो हैं खेलते समय हमने इसे देखा है ओके ये क्या है? चौक चौक है और इसे स्कूल में देखा होगा हुँ. ये क्या है ब्लॉक है हाँ ब्लॉक और तो हमने इसे अपने खेल के डब्बे में कहीं न कहीं देखा होगा और ये क्या है ये भी ब्लॉक्स अगेन ब्लॉक इसे भी हमने अपने खेल के डब्बों में हम्म क्या आप देखा ही होगा ये क्या है एक, एक कलर का डब्बा हाँ, है छोटा सा बॉक्स है और इसे आपने देखा होगा अपने स्कूल बैग या स्कूल में कहीं देखा होगा ये क्या है टायर ये, ये किसी खिलौने का टायर है गाड़ी का मतलब टायर है ये भी हमने देखा होगा अपने आसपास मैच बॉक्स मैच बॉक्स किचन में देखा होगा जनरली ये क्या है बॉल खेला बोलते हैं टाइम में देखा ही होगा कहीं ये क्या चीज है कि कोई चीज को रोल करके रखा गया आ, मैं बताती हूँ वैसे तो आप लोगों के पास टाइम है आप लोग अगर किसी ने समझ लिया ये क्या है पहचान लिया तो चैट बॉक्स में बताओ इसे दाल चीनी है हम्म किचन में देखा है किचन में, में देखा होगा इसे आपने ये क्या है इरेजर अपनी जोमेट्री बॉक्स स्कूल में देखा होगा टेप अगेन स्कूल में देखा होगा इसे आप सबने ये क्या है और ये क्या है क्रेन क्रेन चलो इसकी जगह इसे प्लेस कर देते हैं बहुत सारा सामान है मेरे को जितनी छोटी छोटी चीजें दिखी वो मैं कुछ ले आई अच्छा आप क्या मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस नींबू की तरह दिख रही है इस लेमन की तरह दिख रही हैं बॉल की तरह दिख रही हैं हमारे पास तीन चार चीज़ें मेरे ख़्याल से जो हम ले सकते हैं बॉल ले सकते हैं ब्लॉक ले सकते हैं वॉलट ले सकते हैं और टायर भी ले सकते हैं ये टेप भी ले सकते हैं अच्छा चले देखते हैं एक काम करते हैं अगर पहले एक्सैक्ट दिख रही है पहले हम वो लेते हैं तो अगर मैं एक एक करके सामान उठाती हूँ और मैं देखती हूँ मैं उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करूँगी एक लेमन जैसी क्या चीज़ दिख रही है दूसरा इस ब्लॉक जैसी क्या चीजें दिख रही हैं या ब्लॉक भी नहीं चलो क्रियान रख देते हैं क्रियान जैसी क्या चीज़ें दिख रही हैं हुँ. और थर्ड नंबर पे रख देते हैं हम कि इस इरेजर जैसी या बॉक्स रख देती हूँ मैं पूरा हुँ. कि ये कलर बॉक्स है ये भी आपने देखा होगा आपने उसमें इस बॉक्स जैसी क्या चीजें हैं जो हमारे इस पूरे ग्रुप में हुँ. और फिर हम उन्हें अलग अलग रखेंगे तो ये किसकी तरह लग रहा है लेमन की तरह वो बॉक्स अगर आप थोड़ा अंदर कर देंगे तो हमारे बच्चों को अच्छे से नजर आएगा लेमन की तरह जी की तरह या बॉक्स की तरह लेमन की तरह लेमन तो इसे चलो लेमन के पास रख देते हैं ये किसकी तरह क्रेन की तरह क्रियन की तरह ये किसकी तरह दिख रहा है क्या ये ऐसा है नहीं क्या ये ऐसा है नहीं क्या है? ये थोड़ा थोड़ा इसके साथ जाएगा थोड़ा थोड़ा इसके साथ जाएगा जब. तो इसमें भी क्योंकि कुछ फ्लैट सरफेसेस हैं इसमें भी फ्लैट सरफेस है जबकि यहाँ पर तो पूरा कर्व है इसमें भी एक कर्व सरफेस है जो कि इसमें नहीं है तो ये मेरे ख्याल से इसके साथ ही जाएगा ये मैच बॉक्स इसके ये साथ बॉक्स में जाएगा बॉक्स के साथ आ, ये बॉल बॉल सर्कल में लेमन के साथ लेमन के साथ जाएगी इरेजर इरेजर बॉक्स के साथ बॉक्स के साथ कलर बॉक्स ये ऊपर से सर्कल है वैसे क्रेन वाले में जाना चाहिए ये। तो इसे क्रेन में रख देते हैं अब टफ होती जा रही है चीजें हम्म ब्लॉक इसे हम बॉक्स में रखें बॉक्स लाइक टायर सर्कल और अगर हम इसे ऐसे देखें तो ऐसे देखें तो अच्छा अगर ये नोटिस करें कि ये जो लेमन है ये पूरा सर्कल है इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है लेकिन ये जो टायर है इसमें ये सरफेस तो फ्लैट है हाँ? अगर आप अगर क्रियोन देखोगे तो इसमें एक कर्व सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है और एक और फ्लैट सरफेस है अब हम इसे देखते हैं कि ये क्या इसमें कोई फ्लैट सरफेस है अगर है तो ये बॉल लाइक -like तो नहीं है क्योंकि बॉल लाइक ऑब्जेक्ट में कोई फ्लैट सर, फ्लैट सरफेस नहीं होता अब क्या इसमें सारी सरफेस फ्लैट है नहीं पर यह सरफेस तो कर्व है तो ये बॉक्स लाइक -like भी नहीं है तो एक काम करते हैं अभी के लिए हम इसे रख देते हैं बाकी आप खुद देखो ये एक कर्व सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस और सेकेंड फ्लैट सरफेस जैसा कि इस बॉक्स में भी हो रहा है एक कर्व सरफेस एक फ्लैट सरफेस एक फ्लैट सरफेस क्रियॉन में भी ऐसा ही हो रहा है अब बताओ ये ब्लॉक सर्कल अगेन देखते हैं अगर हम इसे बॉल लाइक ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो इसमें फ्लैट सरफेस है तो अगेन ये इसमें जाएगा क्रियोन लाइक ऑब्जेक्ट में क्योंकि क्रियॉन की तरह इसमें भी देखो कर्व्ड सरफेस है और फ्लैट सरफेस हैं तो तो ये हमने तीन कैटेगरी बना ली है और ये टेप भी इसमें आएगा तो हमारे आसपास की चीज़ें ये अलग अलग चीज़ें थी अलग अलग जगह आपने देखी अलग अलग काम आ रही थी कुछ किचन से कुछ स्कूल से कुछ जोमेट्री बॉक्स से थी हमारे लेकिन इन सब में एक सिमिलैरिटी थी वो क्या है ये सेप्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं हो सकता है कुछ छोटा है कुछ बड़ा है कुछ लंबा है लेकिन इन सब की सेप में एक सिमिलैरिटी है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं एक तो इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है जो बॉल लाइक ऑब्जेक्ट है जो क्रियोन लाइक ऑब्जेक्ट है उसमें दो फ्लैट सरफेस हैं और एक कर्व सरफेस है और जो बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी सारी सरफेस फ्लैट है तो क्योंकि ये सेप्स में इनके सेप्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसलिए इस पूरे ग्रुप को मैं बोल सकती हूँ ये बॉल लाइक बॉल लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्रियॉन लाइक like है और ये बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर आप अपने आसपास देख के फटाफट बता सकते हो कि, कि आपको कोई बॉल लाइक ऑब्जेक्ट दिख रहा है या फिर कोई बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट सू बॉक्स तो देखा होगा आप सब ने सू बॉक्स कैसा होता है बॉल लाइक like होता है या बॉक्स लाइक उसके तो साथ में ही बॉक्स लिखा है अपने आसपास देखो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉल लाइक -like हैं अब अभी तो आप इन्हें देखो धीमे धीमे हम ये भी जानेंगे कि इनका नाम क्या है क्या हम हमेशा अब मैं इसको तो ये भी बोल सकती थी कि ये बॉल लाइक -like भी बोल सकती थी लेमन लाइक -like भी बोल सकती थी मैं बोल सकती थी ऑल दिस थिंग्स आर लेमन लाइक ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टू लेमन सेप मैं बोल सकती थी सिमिलर टू बॉल सेफ या कोई भी सर्कुलर स्पेयर लाइक चीज़ का मैं नाम ले सकती थी सिमिलरली अभी मैंने क्रियन बॉक्स रखा मैं इसे ये भी बोल सकती थी ना सेफ सिमिलर टू द मैच बॉक्स तो ऐसे अलग अलग नाम बोल सकते हैं लेकिन एक फिक्स नाम भी रखा गया है तो आगे सेशन में उसे भी जानेंगे कि आखिर बॉल लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने क्या नाम रखा है बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट के लिए क्या रखा है और जो क्रियॉन था उसके लिए हमने क्या नाम रखा है तो अभी हमने ये तो देख लिया है कि चीज़ों की सेब्स में आपस में सिमिलरिटी है तो आपकी जो बुक है अगर उसका पहला पेज देखोगे तो एक फेस्टिवल है गरबा फेस्टिवल जिसके बारे में बात की गई है और गरबा फेस्टिवल में आप सब कोई ना कोई फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करते ही हो हमें ये देखना है गरबा फेस्टिवल में कि क्या वहाँ पर भी सेब्स हैं या सेफ सिर्फ पढ़ाई लिखाई और किचन में ही है फेस्टिवल यानी त्यौहारों में भी सेफ्स हैं या नहीं हैं तो आप सब तैयार हो मेरे साथ देखने के लिए गरबा फेस्टिवल तो ये है आपकी बुक का इस चैप्टर का पहला पेज और वो क्या है गरबा फेस्टिवल अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो ड्रम लाइक हैं। हम्म ऐसी कोई चीज दिख रही है आपको हाँ मैं ऐसी चीजें नजर आ रही अगर हम ड्रम लाइक देखें अगर हम शेप्स की बात करें तो हम तबले के साथ उसको ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं और ऐसी कोई चीज़ दिख रही है जो बॉल लाइक है मटका मटका और और जो आगे एक चीज पड़ी हुई है ये लड्डू पड़े हैं हाँ? यानी खाने की चीजों में भी सेप होती हैं अच्छा जो बॉल लाइक है वैसी और भी कोई मिठाई होती है क्या सोचना और बताना कि ऐसी कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं जिनकी सेप बॉल की तरह होती है और ऐसी कौन सी मिठाइयाँ हैं जिनकी सेप बॉक्स की तरह होती है ठीक है और और क्या चीज है दो चीजें तो हो गई हम्म अच्छा एक बात बताओ क्या ऐसी भी कोई चीज है जो क्रेन की तरह दिखती है क्रेन की तरह तो हम ये कह सकते हैं शहनाई क्रेन की तरह बिल्कुल। और ये जो डांडिया दान, खेल रहे ये भी। अगर आप देखने जाओगे ये पिलर्स आप देखोगे तो इनकी भी सेप कुछ ऐसी है एक कप और दो फ्लैट ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो हमने भी जिन सेप्स के बारे में पढ़ा उनसे रिसेंबल करती हैं तो आपको देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो एक जैसी दिख रही हैं मटके की जैसी दिख रही हैं कौन कौन सी चीजें कौन सी चीजें ये क्या चीज है पता है क्या गुजराती ड्रेस है मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ गरबा है तो गुजराती ड्रेस है ये और ये सेलेंड्रिकल होती है और येलो कलर की होती है जनरली तो बताइए जरा ये क्या है सब अगर ये, में ये येलो कलर का होता है तो ढोकला होता है आ, और ढोकला तो ये रहा हमारा और ढोकला तो बॉक्स साइड होता है तो ये क्या है सोच के बताना येलो कलर की होती है और सिलेंड्रिकल होती है और गुजराती ड्रेस है So it it can't, can't बिल्कुल बिल्कुल खांडवी तो खाने की चीजों में भी अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग शेप्स होती हैं आप सब देखो कि इसमें कौन कौन सी चीजें एक जैसी दिख रही हैं और उसको मार्क करो हुँ. अब ये तो ठीक है अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई हर बार की तरह इस बार भी मेरे पास एक स्टोरी है और वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है फटाफट सुन लेते हैं ये स्टोरी है युवान की युवान और आद्या आद्या और युवान मम्मी के लिए प्रेजेंस लाए गिफ्ट लाए उन्होंने गिफ्ट पैक भी करवा लिए हैं लेकिन वो गिफ्ट पैक करवा के भी उन्होंने लग रहा है यार ये पैकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है हम तो कुछ बहुत स्पेशल करेंगे और हम क्या करेंगे इसको और डेकोरेट करेंगे तो वो डेकोरेट करने के लिए कैसे डेकोरेट करना है उन्होंने ये भी सोच लिया तो पहले उनका गिफ्ट देख लेते हैं ये उन्होंने गिफ्ट ले लिया है और अब उन्हें इसे डेकोरेट करना है पहले हुँ. से ही पैक करके दिया है दुकान वालों ने पर उन्हें तो कुछ अच्छा करना है मम्मी को एकदम मम्मी देख के एकदम खुश हो जाए ऐसा कुछ अब उन्होंने सोचा है कि जो फ्लैट सरफेसिज हैं इसकी ये जो फ्लैट सरफेसिज हैं इन पर तो हम स्टार्स लगाएंगे बहुत सारे स्टार्स ले आएँ जो एजिस हैं उस पर हम रिबन लगाएंगे हम्म hmm. और रिबन भी बहुत सारे ले आएँ और जो कॉर्नर्स हैं उन पर हम ये बॉल्स लगाएंगे कॉटन बॉल्स लगाएंगे तो एक काम करते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं डेकोरेट करने में तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था वो फेसिस पे क्या लगाएंगे स्टार लगाएंगे तो हम फेसिस पे स्टार लगाना शुरू करते हैं आप देखना कि कोई फेस रहना जाए और काउंट करना कि टोटल कितने स्टार लगे चलिए वन टू थ्री फोर हम्म फाइव यहाँ तो लग गया है अब इस पर देखते यहाँ भी लगा हुआ है यहाँ भी लगा हुआ है ये रहा, और कोई साइड रह गई क्या नहीं हो गई सारी साइड्स जी तो उन्होंने टोटल कितने स्टार्स की उन्हें जरूरत पड़ी सिक्स स्टार्स की जरूरत पड़ी उन्होंने सिक्स स्टार्स लगा दिए अब देखते हैं एजेस जहाँ पे दो फ्लैट फेसेस मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एजिस तो ये एक फ्लैट फेस और ये एक फ्लैट फेस यहाँ पे मिल रहा है तो ये क्या है एजेस है तो एजेस के लिए उन्होंने बहुत सारे रिबन रखे हैं और उन्हें ये रिबन अपने एजेस पे लगाना है तो चलो काउंट करते हैं फटाफट कि इसके हमें कितने रिबन्स लग रहे हैं चलिए काउंट करते हैं तो ये हो गया हमारा पहला एज वन हो गया दूसरा थ्री अंदाजा भी लगाना है तब तक आपको कि आखिर कितने एजिस की जरूरत होगी कितने रिबन की जरूरत होगी तो अगर आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है तो मुझे बॉक्स में बता दो पहले ही ताकि हम देख ले कि हमारे पास रिबन सफिस है या नहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रिबन कम पड़ जाएंगे फोर ये फोर तो हो गए आप इस साइड करके देखते हैं फोर हमें वहाँ पे भी लगेंगे फोर यहाँ पे भी लगेंगे तो इसे फटाफट लगा लेते हैं ये कुछ खोल दो इसे लगाते हैं एक लगा लिया है और अब ये दूसरा देखते हैं और आप ये भी ध्यान रखना कि मुझसे कोई एज छूट न जाए चलो इसे जल्दी जल्दी लगा लेते हैं जी क्या सारे एजेस हो गए अभी तक हमने टोटल कितने लगाए वन टू थ्री फोर लगा लिए फाइव सिक्स सेवन एट क्या सारे एजेस हो गए या कुछ छूट गए सारे हो गए पर अभी तो देखो ये फेस और ये फेस यहाँ पे मिल रहा है तो ये भी एक एज है हमारा और ये फेस ये फेस यहाँ मिल रहा है तो ये भी रह रहा है हमारा चलो इन पे भी फटाफट लगा लेते हैं ओके okay. तो ये हो गया हमारा इस एज के लिए ये हो गया हमारा इस आज के लिए एट पहले हो चुके थे अब नाइन और ये क्या हुआ टेन अभी भी कुछ है हाँ ये वाला भी रह रहा है इलेवन और क्या अभी भी बज रहा है ये देखते हैं हो गया और एक और रह रहा है और हमारा ये एक लास्ट हो गया ट्वेल्व तो हमने टोटल कितने रिबंस लगाए 12. इसका मतलब ये जो इनका बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट है इसमें टोटल कितने एजेस हैं 12. टोटल 12 एजेस हैं और हम आपको बता दें गरिमा जी कि दो मिनट का बच समय हमारे पास शेष है बिल्कुल, बिल्कुल. जी. अब उसके सिवाय ने क्या लगाना है ये बॉल्स तो क्या आप बता सकते हो ये बॉल्स कितनी लगेंगी ये बॉक्स बॉल्स लगानी है ना कॉर्नर पे और कॉर्नर कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये टोटल एट बॉल्स लगेंगी जो इसे लगा करके वो देने वाले हैं अब एक बात बताओ क्या ऐसी बात है कि सार सब में एट एजिस और एट कॉर्नर्स ही होते हैं ज़रा देखते हैं एक और गिफ्ट है जिसको भी वो इसी मटेरियल से सजाने वाले हैं क्या इसमें आपको कोई कॉर्नर दिख रहा है अच्छा एजिस क्या होती है जहाँ दो फेस मिलते हैं अभी हमने पढ़ा था ये कर्व फेस है और एक फ्लैट फेस है ये मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ एक एज और इसके अपोजिट ये हुआ दूसरा एच तो इसमें कितने एच हैं एक एच दो एच और फेसेस कितने हैं? एक कर्व फेस ये पूरा दूसरा फेस और ये तीसरा फेस तो तीन फेस हुए और एजिस कितने हुए एक और दो और कॉर्नर्स हैं क्या जहाँ एजिस मिलते हैं वहाँ कॉर्नर्स बनता है जैसे कि बॉक्स में बनता है ये 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 तीन एजिस मिल रहे थे तो ये एक कॉर्नर बन रहा था अब यहां पे तो एजिस मिल ही नहीं रहे तो बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट में तो क्या है सिक्स फेसिस थे faces कितने थे Six. और क्या चीज़ हमने देखी थी एजिस कितने थे अभी हमने रिबल लगाया था ट्वेल्व और हमने क्या देखा था कि कॉर्नर्स भी थे और कॉर्नर्स कितने थे एट लेकिन ये जो एक कर्व सरफेस के साथ हमारे पास एक सेप है पेंसिल लाइक बोल लो इसके फेसेस कितने हैं? सिर्फ वन टू और थ्री एजेस कितने हैं? एज, एज। पे फेसेस मिलते हैं ये कर्व फेस और ये एक फ्लैट फेस मिला ये एक एज, ये कर्व ये फ्लैट तो दो और कॉर्नर्स कितने है? हैं कॉर्नर नहीं है बिल्कुल जीरो कॉर्नर्स हैं हर सेप में अलग फेसिस एजिस और कॉर्नर हो सकते हैं अब आपको क्या करना है मैं एक टास्क दे रही हूँ पहले तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा फेस ऐसा कौन सा सेप है जिसमें एक फेस है और नहीं चलो दो फेस एक एज एक कॉर्नर ठीक है साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या सारे बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट में छह फेसिस ही होते हैं या किसी बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट में छह से ज्यादा भी फेसिस होते हैं hmm. ये एक चीज पता लगा के बताओगे मुझे क्या सारे बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट में ऐसा ही होता है या सारे क्रियोन्स लाइक ऑब्जेक्ट में हमने जैसा देखा थ्री फेसिस ही होते हैं या किसी में कम ज्यादा भी होते हैं जी तो बच्चों आपको हाँ जैसे आपने आपको गरिमा जी ने बताया बच्चों आपको ये काम जरूर करना है आपको अपने आसपास के शेप्स जो है वो तलाशने होंगे ऑब्जर्व करने और जैसे मैम ने बताया जितने फेस और जितने एजेस बताए आपको ढूंढ के रखने काउंट करने ढूंढ के रखते हैं वो शेप्स और अभी समय है कि हम इस सत्र को यहीं पर वाइंड अप कर दें लेकिन गरी मजीबी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे टेलम्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारे सभी बच्चों को बताया शेप्स और राउंडर्स के बारे में और इससे पहले कि मैं आप सभी के साथ इजाजत ले लूँ एक बात हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग एन सी ई आर टी बुक्स वर्ष 2023 और 24 के लिए एन सी ई आर टी की पुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं और आप ये सभी पुस्तकें एन सी ई आर टी के बिक्री केंद्रों से जा कर के ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली अहमदाबाद बंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी को में स्थित हैं ये बिक्री केंद्र प्रातः साढ़े बजे से शाम छः बजे तक सभी पूरे सप्ताह और सभी सारी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी कार्यरत रहेंगे अगर आप इन जगहों पर नहीं जा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर जो है एन सी ई आर टी बुक्स डॉट एन सी ई आर टी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन ये सारी पुस्तकें आपको आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी और यदि किन्हीं वजह से आपके चीज़ें नहीं ले सकते और इसका पी डी एफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है आपको जाना होगा एन सी ई -E आर टी दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट एन सी ई -E आर टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन विजिट करें और सभी ऑथोराइज वेंडर्स की डिटेल्स हासिल करें छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और इंटरेक्टिव फोन इन प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे जो कि वेबिनार है आप कहीं मत जही बने रहिए ई विद्या चैनल और एन सी ई आर टी ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत नमस्कार